अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास टेंथ की फिज़िक्स का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का बिल्कुल एक नया पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, वो है लेंसेज। ठीक है, अब तक हम मिरर्स को डील करते रहे थे और अब हम पढ़ेंगे लेंसेज। लेंसेज आर वेरी एनालॉगस टू मिरर्स बट वेरी डिफरेंट ऑल्सो। ठीक है, अच्छा, तो लेंसेज होते क्या हैं? दीज आर द ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स हैविंग टू सरफेसेस ऑफ विच वन, एट लीस्ट वन इज कर्व्ड, यानी कि एक तो कर्व होनी ज़रूरी है, दूसरी भी कर्व हो सकती है। एंड दे रिफ्रैक्ट लाइट इन सच अ वे दैट दे फॉर्म इमेज। वो रिफ्रैक्शन होता है उनके थ्रू, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट मटीरियल है, रिफ्रैक्शन भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन के बेसिस पर वी नो देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेस वी नो। ठीक है, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव। These are the two lenses we know about. लेकिन यही दो सिर्फ lenses नहीं हैं, as the definition has this scope of at least one is curved surface leads us to have different types of convex and concave lenses also. ठीक है ना, मतलब इस डेफिनेशन की वजह से हम यहाँ पर ये पाएंगे कि लेंसेज होते तो दो तरह, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, लेकिन इसमें से अगर हम इनकी सरफेसेस पर जाएं तो अकॉर्डिंग टू देयर सरफेसेस दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ईच। तो कॉन्वेक्स लेंस के भी तीन टाइप्स होते हैं और कॉनकेव लेंस के भी तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन पे जाने से पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस की जो ख़ास प्रॉपर्टी है वो आपको बताती हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस विच वी आर फेमिलियर विद आर ऑफ दिस शेप। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, हमें पता है, और कॉन्केव लेंस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो वी सी दैट कि ये जो मैं आपको जस्ट एक ऐसा होता है बता रही हूँ, तो उसी की फीचर अब मैं लिखने जा रही हूँ कि बेसिकली देर आर टू फीचर्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस दैट इट इज़ एक्चुअली थिक। पहला फीचर है कि इट इज़ थिक एट द सेंटर, जबकि इट इज़ थिन एट द एज। ठीक है, एक याद रखें क्योंकि कॉनकेव लेंस इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट। तो पहला पार्ट इसमें आप कॉनकेव लेंस में क्या आप कर लेंगे कि इट इज़ थिन, यहाँ पे थिक है तो इसको थिन करें, एट द सेंटर, थिन एट द सेंटर। ठीक है, ये हमें नज़र आ रहा है कि ये सेंटर से थिन है, जबकि एज पे ये सेंटर के मुकाबले में इट इज़ थिक, थिक एट द एज। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी आपकी, आप कॉन्वेक्स लेंस के जितने टाइप्स पढ़ेंगे उसमें ये एग्जिस्ट करेगी, कॉनकेव लेंस के जितने टाइप्स आप पढ़ेंगे, जितने टाइप्स आप पढ़ेंगे उन सब में ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव लेंस, यानी कि सेंटर से थिन और एज से थिक एग्जिस्ट करेगी। तो अब लेट्स सी कि व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंसेज एक तो ये है, जो पहला है वो यही है, हैविंग टू सरफेसेस कर्व्ड। तो इसको हम नॉर्मली टू सरफेसेस कर्व्ड हैं तो इसको हम कहेंगे कि इट इज़ डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स भी बोल देते हैं। तो बेसिकली हम जब कॉन्वेक्स लेंसेज बोलते हैं इनको, तो दे आर डबल कॉन्वेक्स लेंसेज। तो इतना लंबा क्या बोलना है इसको, नॉर्मली जो शॉर्ट में चलता है वो कॉन्वेक्स लेंस, बट इट इज़ अ बाई कॉन्वेक्स लेंस, और यू कैन से इट इज़ डबल कॉन्वेक्स लेंस। दूसरी कैटेगरी यू सी, थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एज। दूसरी कैटेगरी जो है वो क्या है कि एक सरफेस प्लेन है और दूसरी जो है वो इस तरह से, यू सी, थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द सरफेस एज। तो दिस टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि उसमें ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, तो इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन ऑफ विच टाइप, प्लेन सरफेस। तो हम इसको कहेंगे कि इट इज़ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, ये है कॉन्वेक्स लेंस, एंड में आपने कॉन्वेक्स लेंस ही बोलना है, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तीसरी कैटेगरी में क्या है कि दोनों सरफेस जो है ना वो क्या होंगी, कर्व्ड होंगी, लेकिन इस तरह से कर्व्ड होंगी कि अब आप कहेंगे कि ये भी तो डबल है, ये भी डबल है, लेकिन इसमें यू सी, और ये देखें, सेंटर थिक है और एज थिन है, तो सेंटर थिक एंड एज थिन कॉन्वेक्स हो गया, लेकिन इट इज़ कॉनकेवो टाइप। यहाँ पे जो सरफेस है वो इस सरफेस से फ़र्क है, कॉनकेव में यू हैव एक्चुअली डिप्रेशन इनसाइड द एट द सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो ये डिप्रेसिंग सी सरफेस आपको नज़र आ रही है फ्रॉम हियर, तो वी कॉल दिस एज कॉनकेवो
कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। तो ये इसकी ज्योमेट्री हो गई। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पिक्चर देके पूछा जा सकता है कि नेम द टाइप, और आपसे जस्ट ये भी पूछा जा सकता है कि ड्रॉ दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर, नेम देकर आपसे ड्रॉ करवा लें, ठीक है, इलस्ट्रेट। अब आ जाते हैं हम कॉनकेव लेंसेज में। तो ऑब्वियसली इन एनालॉजी विद दीज लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज, हम कॉनकेव लेंसेज को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहली वाली जो है वो बिल्कुल इसकी तरह यही हो जाएगी, इट इज़ दिस, ठीक है। ये आपका कौन सा लेंस हो जाएगा, ये जबल डबल कॉन्वेक्स था तो ये क्या हो जाएगा, इट वुड बी डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब जैसे ये प्लेनो कॉन्वेक्स था तो यहाँ पे भी मेरे पास एक दूसरी कैटेगरी आएगी जिसमें एक प्लेन सरफेस होनी चाहिए और दूसरी कर्व्ड होनी चाहिए, लेकिन कर्व्ड ऐसी नहीं होगी बल्कि ऐसी होगी, क्यों, क्योंकि सेंटर हमने थिन बनाना है और एज हमने थिक बनाना है। यू सी दिस इज थिन एंड एज इज थिक। तो ये हमारा बन गया इन एनालॉजी विद दिस टाइप प्लेनो कॉन्वेक्स की जगह इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी बिल्कुल इसके मुताबिक, दोनों सरफेसेस कर्व्ड होनी चाहिए, लेकिन जैसे ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस था तो अब यहाँ पर सेटिस्फाइंग क्या होना चाहिए कि आपका सेंटर थिन होना चाहिए और ये इस तरह से बना दूँ, ठीक है, लाइक दिस, यू सी सेंटर थिन एंड एज थिक। तो अगेन द टू सरफेसेस आर कर्व्ड बट इट इज़ नॉट दिस टाइप ऑफ कर्व, ठीक है, वो एक डिफरेंट तरह का है। एंड वी कैन सी ये कॉन्वेक्सो शेप आ रहा है, तो हम इन एनालॉजी विद दिस वर्ड कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, इट इज़ अ कॉनकेव लेंस ये वाला, तो हम इसको कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट से आपको ये पता चल गया होगा, कंसेप्ट मिल गया होगा कि हमने कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है। इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में मैं इसके आगे आपको बताऊंगी कि सम टर्मिनोलॉजीज टेक्निकल विच वी वुड बी कमिंग अक्रॉस वाइल स्टडिंग दीज टाइप्स ऑफ लेंसेज। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, फिज़िक्स पेज चैनल को याद रखें, इससे आप मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।